सो हाई एवरी वन, वेलकम बैक इन डिज़ाइन बाय उमेरा। सो गाइज, इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर द कटिंग एंड स्टिचिंग ऑफ दिस अम्ब्रेला प्लाजो इन अ वेरी इजी वे। सो गाइज, इस अम्ब्रेला प्लाजो के साथ मैंने एक डिज़ाइनर फ्रॉक भी डिज़ाइन करा है, जिसकी डिज़ाइनिंग की वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, यू कैन चेक आउट इट। एंड ऑल्सो गाइज, इस अम्ब्रेला प्लाजो को मैंने बहुत ही कम फैब्रिक में बनाया है एंड इस प्लाजो को बनाना बहुत ही ईजी है। सो इफ यू वॉन्ट टू नो डेट हाउ आई मेड इट, सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। फॉर मेकिंग दिस अम्ब्रेला प्लाजो हेयर आई एम यूजिंग 2.5 मीटर सर्टिन फैब्रिक। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी फैब्रिक ले सकते हैं। सो फर्स्टली मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया है। सो 2 फोल्ड होने के बाद हमने फैब्रिक को एक साइड से इस तरह से ट्रेंगल शेप में फोल्ड कर लेना है। सो आफ्टर फोल्डिंग दिस इज 4 फोल्डेड फैब्रिक। नाउ लेट्स स्टार्ट द मार्किंग। सो फर्स्टली वेस्ट के लिए मार्क करेंगे। सो यहाँ मैंने 11 इंचेस पे वेस्ट के लिए मार्किंग करा है सर्कुलर मोशन में। सो मार्किंग करने के बाद हम इस मार्क को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे एंड इसके बाद इसको कट कर लेंगे। सो हमने जो वेस्ट के लिए मार्किंग करा है, अब वहाँ से नीचे की तरफ हमने प्लाजो की लेंथ मार्क करनी है। सो हमने प्लाजो की लेंथ के लिए 31 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। गाइज, हमने ये मार्किंग सर्कुलर मोशन में करना है। सो आफ्टर मार्किंग हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो अब हमने क्रॉच की मार्किंग करनी है। सो फर्स्टली हम 8 इंचेस पर क्रॉच की मार्किंग करेंगे लेंथ वाइज। नाउ अब यहाँ से हमने 2 इंचेस पर मार्किंग करा है विथ वाइज। सो अब हमने इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है फॉर क्रॉच। एंड अब इसमें हमने राउंड शेप ड्रॉ करनी है लाइक दिस। सो गाइज, अब हमने इसकी भी कटिंग कर लेनी है। एंड इसके साइड से भी हम इसे कट कर लेंगे। सो इस तरह से अब प्लाजो की कटिंग हो गई है, अब हम इसे ओपन करेंगे। सो कटिंग करने के बाद ये 2 पीसेस है। सो गाइज, हमने राइट साइड पे राइट साइड को रख के 1 क्रॉस स्टिच कर लेनी है। एंड यहाँ मैंने क्रॉच को 1 साइड से स्टिच कर लिया है एंड इसे मैंने ओपन कर लिया है। अब हम बेल्ट के लिए मेज़र करेंगे। सो हम यहाँ वेस्ट साइड से मेज़र करेंगे, जिसकी विथ 36 इंचेस है। सो हेयर आई एम टेकिंग सेटिन फैब्रिक स्ट्रिप फॉर बेल्ट, जिसकी विथ 10 इंचेस है। अब हमने बेल्ट वाली फैब्रिक स्ट्रिप को ओपन कर लेना है। तो देखिए, हमने इस तरह से राइट साइड पे राइट साइड को रख लेना है अच्छे से एंड राइट साइड पे राइट साइड को रखते हुए हाफ इंच का मार्जिन देते हुए हमने स्टिच कर लेना है। सो आफ्टर स्टिचिंग हमने इलास्टिक के लिए हुक बनाना है। सो इस तरह से फर्स्टली हम पहले हाफ इंच का मार्जिन फोल्ड करेंगे एंड देन इलास्टिक के अकॉर्डिंग हम फैब्रिक फोल्ड करके इसे स्टिच कर लेंगे। सो आफ्टर स्टिचिंग मैंने हुक भी रेडी कर लिया है। अब मैंने एक इलास्टिक लिया है, जिसकी लेंथ अबाउट 25 इंचेस है। एंड गाइज, यहाँ मैंने एक सेफ्टी पिन लिया है एंड इस पिन को मैंने इलास्टिक की एक साइड लगा लिया है लाइक दिस। आफ्टर डैट हमने इलास्टिक को हुक के अंदर इस तरह से इंसर्ट करते जाना है। एंड गाइज, हुक के अंदर इलास्टिक को इंसर्ट करने के बाद इसके दोनों साइड हमने 4 to 5 टाइम्स स्टिच कर लेनी है। एंड यहाँ मैंने इलास्टिक के दोनों साइड्स को बहुत अच्छे से स्टिच कर लिया है। एंड इसके बाद गाइज, हमने इलास्टिक को फिक्स करने के लिए हमने टॉप स्टिच भी करनी है एंड यहाँ मैंने स्टिच कर लिया है, यू कैन सी इट। एंड इसके बाद गाइज, अब हम इसे राइट साइड पे राइट साइड को फोल्ड करेंगे एंड फोल्ड करने के बाद दोनों क्रॉच को मिलाते हुए हाफ इंच का मार्जिन देते हुए स्टिच कर लेना है एंड यहाँ मैंने स्टिच कर लिया है।
आफ्टर डेट गाइज हमने इसकी सेंटर में इनर लेग में 1 इंच का मार्जिन देते हुए स्टिच कर लेनी है अच्छे से। इसी के साथ ये जो हमारी फ्लेयर है इसकी बॉर्डर को हमने सिंपली डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेना है, या आप चाहे तो पीको भी कर सकते हैं, इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस।